अब्दुल्ला के 3 साल में दूसरी बार खत्म होगी विधायकी। 25 साल में पहली बार आजम परिवार से खाली रहेगी विधानसभा। रामपुर के सौर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी 3 साल में दूसरी बार खत्म होगी। 3 साल पहले उम्र के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द कर दिया था। अब 15 साल पहले हरिद्वार हाईवे पर जाम करने के एक मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, इसलिए विधायकी जा सकती है। दरअसल नियम है कि आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक सजा होने पर जनप्रतिनिधि की विधायकी खुद ही खत्म हो जाती है। अब्दुल्ला के साथ उनके पिता एमपी नेता आजम खान को भी मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सोमवार को ही सुनाई। हेट स्पीच केस में 3 साल की सजा सुनाए जाने के कारण बीते साल रामपुर सदर से विधायक रहे आजम खान की विधायकी भी खत्म हो चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 25 साल में पहली बार होगा कि विधानसभा में आजम परिवार का कोई सदस्य विधानसभा में नहीं होगा। परिवार से खुद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन और बेटा अब्दुल्ला विधायक रह चुके हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम रामपुर की सुहाड़ सीट से एसपी से चुनाव लड़े थे, वह जीते थे। उन्होंने रामपुर नवाब खानदान के वंशज पूर्व मंत्री नवाब कासिम अली को हराया था। बीएसपी के उम्मीदवार रहे नवाब कासिम अली ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल कर अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेजों की मदद से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। कहा था कि अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे। केस में अब्दुल्ला के साथ पिता आजम और मां पूर्व विधायक तंजीन भी आरोपी थी। इस केस से सुनवाई की तारीखों पर लगातार गैर हाजिर रहने के कारण मुरादाबाद के एडीजी 6 की अदालत ने आजम खान, तंजीन और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किए थे। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला आजम की विधायकी दिसंबर 2019 में रद्द कर दी थी कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी। अब्दुल्ला हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से भी हाईकोर्ट के आदेश को बहाल रखा गया था।